मॉर्निंग एवरीवन, बीएड सेकंड ईयर पेपर है आपका पैडोलॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के मैंने आपको कई सारे स्टेप करवाए हैं, जैसे प्रकार करवाए हैं, विशेषताएं करवाई हैं, पाठ्यक्रम के लाभ करवाए हैं, एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का अर्थ अवधारणा करवाई है। तो मैंने एक पाठ्यक्रम टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करी है। आज मैं आपको कराऊंगी भूगोल पाठ्य विवरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन, कि हम भूगोल पाठ्य विवरण है या भूगोल पाठ्यक्रम है उसका हम किस तरीके से का मूल्यांकन कर सकते हैं, किस आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे पाठ्य विवरण, पाठ्य पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का, पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का अंग होता है, अंग होता है पाठ्य विवरण का, पाठ्य विवरण का पाठ्यक्रम में, पाठ्य विवरण का पाठ्यक्रम में वर्ष के लिए, वर्ष के लिए निर्धारित, वर्ष के लिए निर्धारित विषय वस्तु को, विषय वस्तु को साप्ताहिक, साप्ताहिक मानसिक, साप्ताहिक मानसिक तथा स्तर पर, स्तर में पूरा करना होता, स्तर में पूरा करना होता है पाठ्य विवरण, पाठ्य विवरण निर्माण में, पाठ्य विवरण निर्माण में निम्न बातों, निम्न बातों का ध्यान, निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे जैसे उनमें, उनमें विषय पढ़ाने में, विषय पढ़ाने में सामान्य, विषय पढ़ाने में सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य या अपेक्षित, सामान्य उद्देश्य या अपेक्षित उपलब्धियां, उपलब्धियां, उपलब्धियां दी जाती है, न कि शैक्षिक, न कि शैक्षिक, सह शैक्षिक, शैक्षिक, सह शैक्षिक भौतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र से, भौतिक क्षेत्र से संबंधित, संबंधित है। सेकंड, वह छात्रों के मानसिक स्तर, छात्रों के मानसिक स्तर तथा रुचियों, मानसिक स्तर तथा रुचियों के अनुकूल, अनुकूल हो। थर्ड है
वह विद्यालय विद्यालय सत्र की विद्यालय सत्र की अवधि के समान हो सके। पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण। अब पाठ्य विवरण क्या होता है? पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का ही क्या है? एक अंग है। क्या बोला गया है कि पाठ्य विवरण क्या है? इस पाठ्यक्रम का ही एक अंग होता है। पाठ्य विवरण का पाठ्यक्रम में वर्ष के लिए निर्धारित विषय वस्तु किसके लिए? पाठ्यक्रम में वर्ष के लिए, मतलब एक वर्ष के लिए हम कोई विषय वस्तु निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, तो पाठ्य विवरण का पाठ्यक्रम में वर्ष के लिए निर्धारित विषय वस्तु को, जो विषय वस्तु है उसको हम क्या करेंगे? साप्ताहिक मानसिक स्तर, साप्ताहिक मानसिक तथा स्तर में पूरा करना होता है। हमें एक हफ्ते में पूरा करना होता है, एक वर्ष में पूरा करना होता है, एक मंथ में पूरा करना होता है। हम पाठ्यक्रम देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, सिलेबस जो बटा हुआ होता है कि 75% सिलेबस हमें हाफ ईयरली से पहले कंप्लीट करना है। तो इतने मंथ में हमें 2 लेसन कंप्लीट कराने हैं, 3 लेसन कंप्लीट कराने हैं। ये सारी ही विषय पाठ्य विवरण जो होता है, जब बटा हुआ होता है, अलग अलग डिवाइडेड होता है कि हमें कब कब क्या क्या कराना है, और हमें फाइनल ईयर तक या फाइनल एग्जाम तक हमें कम्प्लीटली पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट है तो हमें कितना सिलेबस कराना है, सेकेंड सेम में हमें कितना सिलेबस कराना है, वो सारी चीज़ें ही हम जब पाठ्यक्रम देखते हैं किसी भी विषय वस्तु किसी भी विषय का और कोई से भी स्तर का, तो ये पाठ्य विवरण में निश्चित ही डिवाइडेड सारी चीज़ें आती हैं। तो पाठ्य विवरण में क्या है? पाठ्यक्रम का ही एक अंग होता है। उसमें क्या निर्धारित करा जाता है? निर्धारित ये ही करा जाता है कि जो विषय वस्तु है उसको हम साप्ताहिक या वर्ष के लिए मानसिक स्तर के आधार पर कितने समय में पूरा करा रहे हैं। पाठ्य विवरण निर्माण में जब हम पाठ्य विवरण का निर्माण करते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखा जाता है। जैसे पहले पहली वो है कि उनमें विषय पढ़ाने जो विषय है, विषय पढ़ाने में सामान्य उद्देश्य या अपेक्षित उपलब्धियाँ, जो भी सामान्य उद्देश्य है हमारा उस विषय वस्तु को पढ़ाने में, और हमें सपोज मान लो 1 लेसन या 2 लेसन है, हमें 1 वीक में ही कंप्लीट कराना है उसको, तो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या है उसको पढ़ाने से रिलेटेड, कि बालक को उसको जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्या समझाना चाहते हैं। एक तो वो होता है, एक नॉर्मल हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, और उपेक्षित उपलब्धियाँ दी जाती है कि उससे रिलेटेड क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या आविष्कार हुए, क्या क्या उपलब्धियाँ हमें प्राप्त हुई है उस विषय वस्तु से संबंधित, और की जाती है, न कि शैक्षिक शैक्षिक और भौतिक क्षेत्र से संबंधित है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैक्षिक शैक्षिक इसी क्षेत्र से संबंधित है, अदर रिलेटेड और इस चीज़ों में भी वो विषय वस्तु रिलेटेड होती है। सेकेंड है, वह छात्रों के मानसिक स्तर तथा रुचियों के अनुकूल हो। भाई पाठ्य सीधी सी बात है, विषय वस्तु जब हम पढ़ा रहे हैं, अध्यापक ने तो सोच लिया कि हमें 2 1 वीक में 2 लेसन कंप्लीट करवाने हैं, बट बालक को वो 2 लेसन समझ में भी तो आने चाहिए, तो वो 1 वीक में कंप्लीट होंगे ना। हम फर्स्ट लेसन ही करा रहे हैं लेकिन बालक को फर्स्ट लेसन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या हम 2 लेसन 1 वीक में कंप्लीट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो मानसिक स्तर इन रुचियों के अनुकूल भी होनी चाहिए कि वो विषय वस्तु हमें बालक के रुचि के अनुकूल बनानी चाहिए, तो बालक को समझेगा। थर्ड है, विद्यालय सत्र की उपलब्धियाँ विद्यालय सत्र की अवधि के समान हो सके, कि विद्यालय का सत्र जो चल रहा है उसी अवधि के अंतर्गत ये पाठ्य विवरण भी कंप्लीट हो सके, ऐसे हमें पाठ्य विवरण को निर्धारित करना चाहिए। इसी कारण से वर्ष में सबसे पहले ही सेशन स्टार्ट होने से पहले ही पाठ्य विवरण निर्धारित कर दिया जाता है, पाठ्यक्रम निर्धारित करा जाता है, उसी के साथ ही पाठ्य विवरण भी निर्धारित करा जाता है कि इतने डेज में हमें टीचिंग करानी है, इतने डेज में हमें गेम करानी है, इतने डेज में हमें कई करिकुलम एक्टिविटी करानी है, इतने डेज में हमें एग्जाम्स करवाने हैं। ये सारी ही चीज़ें जब हम कोई भी सिलेबस या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें पूरा ही एक मेन्यू पकड़ा दिया जाता है कि इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी निर्धारित करके। फोर्थ है, उसके उसके विवेक विभिन्न प्रकरणों विभिन्न
प्रणव को पढ़ाने के क्रम में संगठित किया जाए, पढ़ाने के क्रम में संगठित किया जाए। फिफ्थ है उसमें उसमें पूरक पठन सामग्री, पूरक पठन सामग्री का निर्देश, पूरक पठन सामग्री का निर्देश हो। सिक्स पॉइंट है उसमें उसमें शिक्षा उसमें शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रदति तथा सहगामी क्रियाओं का संकेत हो। सेवन पॉइंट है यह शिक्षक अपने उपयोग हेतु बनाता है, न कि बालक के उपयोग के लिए। एट पॉइंट है यह पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित तथा अमनोवैज्ञानिक होता है। नाइन्थ है इसमें व्यवहारिकता का पूर्ण अभाव होता है, क्योंकि यह कुछ समय विशेष के अंतर्गत चलने वाली शिक्षण गतिविधि है। फोर्थ पॉइंट है जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के क्रम में और संगठित पढ़ने के क्रम में पाठ्य विवरण का प्रयोग किया जाता है। थर्ड सेफ फिफ्थ पॉइंट है पूरक पठन सामग्री का निर्देश हो। पूरक पठन सामग्री को हम ये कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु बालक को समझ में नहीं आई है उस विषय वस्तु को वापस से रिवाइज करवाने के लिए, अभ्यास करवाने के लिए उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक हम ये कह सकते हैं पाठ्य विवरण भी तैयार होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है उसमें शिक्षा पद्धति प्रदति या तथा सहगामी क्रियाओं का संकेत होना चाहिए कि उस विषय वस्तु से रिलेटेड हमें कई सारी सहगामी क्रियाएं भी करवानी चाहिए अध्यापक को। सेवन पॉइंट है शिक्षक अपने उपयोग हेतु बनाता है पाठ्य विवरण, न कि बालक के उपयोग हेतु। जो भी हम पाठ्य विवरण निर्धारित करते हैं कि इतने समय में हमें इतनी विषय वस्तु कंप्लीट करानी है तो वो अध्यापक अपने ही उसके लिए करवाता है, ना कि हम ये कह सकते हैं बालकों के लिए वो विषय पाठ्य विवरण निर्धारित होता है। एट पॉइंट है यह पुस्तकीय
ज्ञान तक सीमित तथा अमनोवैज्ञानिक होता है। सिर्फ पुस्तक के ज्ञान तक ही सीमित होता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है उसी को ही तो हम पाठ्य विवरण के आधार पर, यह हम ये कह सकते हैं, उसी को ही तो हम डिवाइडेड कर रहे हैं कि हमें इतने समय में इतने इतने विषय वस्तु को या इतने इतने सिलेबस को कंप्लीट कराना है। तो इस कारण से ये पुस्तक के ज्ञान तक ही सीमित और अमनोवैज्ञानिक होता है। नाइन्थ है, इसमें व्यावहारिकता का पूर्ण अभाव होता है, क्योंकि ये कुछ समय विशेष के अंतर्गत चलने वाली शिक्षण गतिविधि है। ये कुछ समय विशेष के अंतर्गत ही चलती है, एनी टाइम हम इसमें पाठ्य विवरण के आधार पर पाठ्य विषयक्रम को नहीं करवा सकते हैं कंप्लीट। तो इसी कारण से ये कुछ समय तक चलने वाली ही गतिविधि है। तो पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम जो होता है उसको हम किस अध्यापक अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेड कर देता है कि इतने समय में हमें इस विषय वस्तु को इतनी कंप्लीट करानी है। तो जिससे उसको ये मालूम रहता है कि उसका टारगेट रहता है कि मुझे इतनी विषय वस्तु इतने मंथ में या इतने समय में कंप्लीट करा देने की है। 10th पॉइंट है पाठ्य विवरण बालक के विषय से संबंधित विकास पर ही बल देता विकास पर ही बल देता है। इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास चहुमुखी विकास संभव नहीं है, न ही राष्ट्रीय मूल्यों का विकास होता है। 11th है पाठ्य विवरण में पाठ्यक्रम का एक अंश मात्र होता है, जिसके संग्रहित तथ्यों को स्थान दिया जाता है, न कि क्रिया एक अनुभव न कि क्रिया एक अनुभव के रूप में। तो 10th पॉइंट है पाठ्य विवरण बालक के विषय से संबंधित विकास पर, किससे संबंधित, पाठ्य विवरण बालक के विषय से संबंधित विकास पर ही बल देता है। इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास संभव नहीं है, कि हम सोचे कि बालक का चहुमुखी विकास हो तो वो संभव नहीं होता है, न ही राष्ट्रीय मूल्यों का विकास होता है। फिर है पाठ्य विवरण में पाठ्यक्रम का एक अंश मात्र होता है, जिसके संग्रहित तथ्यों को स्थान दिया जाता है, न कि क्रिया एक अनुभव के रूप में होती है। तो ये थे पाठ्य विवरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, भूगोल पाठ्य विवरण
विवरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन अध्यापक को किस आधार पर करना चाहिए स्पष्ट कीजिए। ये आपका घर का एक प्रश्न है, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।